फिरोजाबाद में नकली नोट बनाने के कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, भंडाफोड़ किया। इनके पास से पुलिस ने करीब 53,900 रुपए की नकली और नकली करेंसी को बाजार में चलाकर उससे कमाए हुए 58,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि थाना रामगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एसओजी सर्विलांस टीम की मदद से थाना रामगढ़ पुलिस ने जगजीवन नगर में एक मकान में छापेमारी की, जहां तीन लोग नकली नोट बनाने में मशगूल थे। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उन्हें दबोच लिया। तलाशी लेने पर वहां से 53,900 के नकली नोट और नकली नोट बाजार में चलाकर कमाए गए 58,000 रुपए के असली नोट बरामद किए हैं। एसएसपी के मुताबिक पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि इस गिरोह का सरगना कमल प्रताप पुत्र रमेश चंद्र निवासी जगजीवन नगर सलई थाना रामगढ़ है, वहीं नकली नोट छापता है, जबकि रामवीर पुत्र राज बहादुर निवासी राजा करताल थाना टुंडला और कुलवेंद्र उर्फ कुल्लू पुत्र विनोद कुमार निवासी सिकेरा थाना मटसेना उन नोटों को बाजार में खपाते थे। वह पेट्रोल पंप, ठेला, सब्जी और फल वालों को नोट चलाते थे। इनके पास से नकली नोट छापने का सामान बरामद हुआ है। एसएसपी ने बताया कि यह आगरा की हरी पर्वत पुलिस द्वारा भी पकड़े गए थे। 3 महीने पहले ही जेल से छूटकर आए थे। फिरोजाबाद से संवाददाता राकेश वर्मा की रिपोर्ट। हमारा थाना रामगढ़ है, उसमें आज एक जाली नोट छापने की फैक्ट्री जो है पकड़ी गई है, जिसमें 53,900 रुपये जो नकली नोट हैं वो बरामद हुए हैं, और जो नकली नोट से चेंज करके जो 58,000 रुपये जो असली वाले हैं वो भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो नकली नोट छापने का पूरा उपकरण है वो भी बरामद हुआ है। इसमें ये जो अभियुक्त है कमल प्रताप, ये जो गुरोह है उसका सरगना है। पूर्व में ये हरी पर्वत जो थाना जनपद आगरा का था, वहाँ पर भी इसमें जो है वहाँ से भी जेल जा चुका है।